अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम अनबॉक्सिंग मुश्क फेस्टिव शिफॉन कलेक्शन, और हमारे पास अनस्टिच है ये, और हमारे पास कोड है आई थिंक 05, बट लेट्स सी हाउ इट इज। बॉक्सेस इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, और इनले कार्ड एक नहीं होता, इन्होंने जो है पूरा पूरा वो दिया होता है, पूरी कैटलॉग दी होती है। ऑरेंज कलर का ड्रेस है ये, और इसकी ओके वी हैव दिस ड्रेस, लेट्स सी हाउ इट इज। ये दो बैग्स में एक्चुअली पैक है, कुछ चीज़ें इसकी यहाँ हैं, कुछ चीज़ें यहाँ। अच्छा, इन दोनों की एक नेगेटिव पॉइंट है, वो ये कि ये लोग ग्रिप की जो लाइनिंग देते हैं, पहली बात तो ये कि ये फैब्रिक इतना अच्छा नहीं होता कि शिफॉन के सूट्स के लिए सूटेबल हो। हम तो कभी भी यूज़ नहीं करते इस फैब्रिक को। लॉन के लिए, जो लॉन के सी थ्रू कपड़े होते हैं उसमें एक फैब्रिक लगाते हैं, लॉन शिफॉन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत हल्की होती है। दूसरी बात यह है कि जितना भी फ्लेयर वाला ड्रेस देते हैं उसके साथ ये ढाई गज़, इनफैक्ट ढाई गज़ भी नहीं है, दो गज़ ग्रिप का फैब्रिक है, जिससे जाहिर है कि उतना फ्लेयर नहीं होगा जितना कि ऊपर वाले गाउन का होगा। और ये सारे कलेक्शन के साथ यही मसला है। तो हम लोगों ने जितने भी ड्रेस इनके स्टिच कर रहे हैं उसको जो है हम लोगों ने अलग से फैब्रिक लेके, कॉटन सिल्क अच्छी क्वालिटी का लेके उसको फिर डाई करवाया है। तो ये बिल्कुल बेकार है कपड़ा, किसी काम का नहीं। ना तो इसकी पैंट बना सकते हैं, बहुत हल्की क्वालिटी का। अदरवाइज़ जो है ड्रेसेस अच्छे होते हैं। इनफैक्ट इससे पहले जो इनका एक और कलेक्शन था, आई डोंट नो, कॉटन नेट टाइप का जो था, उसका भी यही था कि लाइनिंग जो है बिल्कुल बेकार थी। अच्छा, ये लाइनिंग का फैब्रिक है जिसको मैं बेस पे इसलिए रख रही हूँ ताकि इसका कलर जो है वो सही नज़र आ सके। अच्छा जी, ये शिफॉन है, प्योर शिफॉन नहीं है, ये पाकिस्तानी शिफॉन, जिसको गुजरांवाला शिफॉन भी कहते हैं। पाकिस्तानी शिफॉन की अच्छी क्वालिटी है, बट ये कि प्योर शिफॉन नहीं है ये। तो ये इसका फ्रंट है एक्चुअली। ओके, ये फ्रंट का कपड़ा है, डबल है एक्चुअली। और अच्छा, एक तो ये कि ये ड्रेस का कलर जो है पिक्चर में बहुत ब्राइट येलो सा दिख रहा है, या ऑरेंज है तो बहुत ब्राइट है, लेकिन असल में ये बर्नड ऑरेंज टाइप का कलर है, जो कि बर्न ऑरेंज कह लें या रस्ट कलर कह दें, तो कलर इसका बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब अच्छा खासा डार्क है। तो इस कलर को देखकर बाय ना करें, क्योंकि ये येलो भी लग रहा है या फिर बहुत ब्राइट ऑरेंज लग रहा है, जबकि असल में बिल्कुल डिफरेंट कलर है। तो ये इसका फ्रंट है। उसके बाद ये इसकी फ्रंट बैक बॉडी का कपड़ा है, जो कि काफ़ी होगा। अच्छा, इसके ऊपर जो है कुछ हैंड वर्क है, कटिंग में थोड़ा सा मसला होगा इसका। ये फ्रंट बैक की एक तरह से बूटियां हैं, और ये इसकी स्लीव्स हैं। अच्छा, मैं बल्कि एक चीज़ कंप्लीट कर दूं, ये फ्रंट बैक की बॉडी हो गई, और ये इसका लंबा सा गला है, जो कि एप्लिक होने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि जो ये है इसके ऊपर बीड्स हैं, तो ये जब एप्लिक होगा तो वो सारी चीज़ें कट जाएंगी। तो ये लंबा सा इस तरह से गला है, एप्लिक होगा सेम वही बूटियाँ सेंटर में आ जाएंगी उसके। और कपड़ा इन्होंने ज़्यादा दिया हुआ, लेकिन पिक्चर में जो है वो कम ही नज़र आ रहा है, बट है ये। उसके बाद है इसके दामन का बॉर्डर। अच्छा, मैं इसको एक्चुअली साइड पे कर दूँ, उसको बाद में दिखाते हैं। इसका दामन का बॉर्डर है फ्रंट बैक का, और फ्लेयर काफ़ी है, बॉर्डर जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है। मैं इस वक्त एक्चुअली, मेरे पास इंच टेप नहीं है, लेकिन इट्स मोर देन 50 इंचेस वन साइड। पिक्चर में जितना दिख रहा है उससे बॉर्डर तो ज़्यादा है। आई डोंट नो फैब्रिक उसका पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अच्छा, बैक का फैब्रिक ये है, तो आई थिंक इसका अच्छा घेर हो जाएगा, बट ये है कि इसको बैक का भी उतना ही है जितना कि फ्रंट का है, इस तरह से लाइनों वाला। और ये बॉर्डर भी जो है फ्रंट और बैक के लिए बिल्कुल काफ़ी है। उसके बाद इसकी लेस है ये फ्रंट की, इसको मैं खोल नहीं रही पूरी, लेकिन ये जो पूरे फ्रंट ओपन पर ये लेस आ रही है, इट्स मोर देन इनफ आई थिंक, दोनों साइड्स के लिए काफ़ी होगी। और बॉर्डर तो ये एज़ एज़ एप्लिक हो जाएगा दोनों साइड से।
की बात है इसके दुपट्टे के पल्लू। अच्छा, ये दो बंच हैं जो कि यहाँ एप्पल इसके ऊपर एप्लिक होने, क्योंकि अभी तो ये ज़ाहिर है दोनों अटैच हुए हैं, एक इस एक पैनल पर आएगा और दूसरा एक पैनल पर आएगा, और इस बंच के ऊपर भी जो है वो पर्ल्स की टचिंग है, बाकी तो ये जरी वर्क है और उसके ऊपर जो है पर्ल्स की टचिंग है। कलर वैसे काफ़ी अच्छा है, बट ये है कि बस कलर पिक्चर जैसा नहीं है, पिक्चर से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि काफ़ी ब्राइट है। इनफैक्ट मैंने इनका एक पिंक सूट अभी स्टिच हो रहा है, उसका भी जो है कलर काफ़ी डिफरेंट है, वो स्टिच हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह उसकी स्टिच की वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, ये वाला बॉर्डर जो है ये स्लीव्स का है, राइट स्लीव्स हो गई, बैक हो गई, और उसके बाद है इसका ट्राउज़र, ये इन्होंने किरण भी दी हुई है साथ में जो दुपट्टे पर लगी हुई है। उसके बाद इसका नेट का दुपट्टा है और इसकी आई एम श्योर कि ये दुपट्टे के बॉर्डर्स होंगे। मेरे पास एक्चुअली इस पिक्चर में, मेरे पास इन तीनों पिक्चर में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा कि दुपट्टे के बॉर्डर्स हैं, तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन, अच्छा सॉरी, इसके पैंट का वो है, तो दुपट्टे के जस्ट ऑल साइड पर किरण लगी हुई है। नेट का दुपट्टा है ये, इस तरह से बूटी वाला, बूटियाँ इसकी काफ़ी करीब हैं, और इसको किरण लगाएं या कुछ और फिनिशिंग करें, बट ये कि किरण इंक्लूड है उनके ड्रेस के साथ। उसके बाद इसका रॉ सिल्क का ट्राउज़र है जो कि 2.5 गज से ज़्यादा है, आई थिंक ये तीन गज जितना कपड़ा है ये पूरा, ही एक्चुअली खुल गया ये। अच्छा, ये इसके ट्राउज़र के पैच हैं जो कि डबल करके इतना पैंचा बन जाएगा, बट इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ये जो कपड़ा दिया हुआ है तो, जो कि मुझे लग रहा है तकरीबन 3 गज है, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखा हुआ कि कितना कपड़ा है ना, तो ये पैंचा अगर इतना कपड़ा हो और बन जाए, ये टेलर बेटर गाइड कर सकता है। मैं कोशिश करूँगी कि ये जब स्टिच हो जाए तो इंशाल्लाह इसकी स्टिच वीडियो शेयर करें। अगर तो ये इतना निकल आए तो फिर तो ये अच्छा खासा पैंचा है, ये ऑलमोस्ट 25 इंचेस वन साइड होगा, दैट मीन्स 50 इंचेस ऑल राउंड एक पैंचा, जो कि ये डबल है, तो उसका जो है कपड़ा बॉर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, और फैब्रिक मुझे देखने में लग रहा है 3 या 3.5 गज है, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि इसमें पैनल्स ऐड कर देगा टेलर तब तो हो सकता है, स्ट्रेट इसके अर्ज़ में नहीं होगा। अच्छा, इसकी प्राइस है 15,950 रुपीज़। कुछ लोग जो है बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप प्राइस तो बताती नहीं, और इसकी स्लीव्स, अच्छा इन्होंने दो तरह से वो स्टिच किया है, तो मैंने तो अभी इसको खोला है, अगर ये वाला स्टाइल स्टिच करेंगे तो फिर ये जो बॉर्डर है, आई डोंट नो ये कौन सा बॉर्डर है इन्होंने लगाया हुआ है, क्योंकि इसकी स्लीव्स जो हैं डिफरेंट हो रही हैं। अच्छा, ये वाले स्टाइल में जो है ये जो बॉर्डर है लहंगे का बॉर्डर, तो यही वाला लगाया हुआ है, और जो स्लीव्स हैं वो इस फैब्रिक की स्लीव्स बनाई हुई, इसी को डबल करके अप्लिक करके, बट ये कि हम आई थिंक ये वाला स्टाइल स्टिच करेंगे जो कि इसके लिए परफेक्ट है, बस डिफरेंस ये है कि इसका कलर डिफरेंट है। ओवरऑल बहुत अच्छा ड्रेस है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।